दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। श्री अजय ठाकुर, खेल कबड्डी। भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान हिमाचली गबरू अजय ठाकुर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान हिमाचल के लाल अजय ठाकुर को कबड्डी के खेल में बेहतरीन उपलब्धियों के लिए नवाजा है। समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने इस वर्ष पद्म पुरस्कारों के लिए चुने गए 112 शख्सियतों में से 56 लोगों को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। अजय ठाकुर ने देश के सर्वोच्च सम्मानों में शुमार पद्मश्री सम्मान के लिए देश व प्रदेशवासियों का आभार जताया है। विश्व विजेता भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान अजय ठाकुर को पद्मश्री अवार्ड मिलने से हिमाचल प्रदेश में जहां खुशी की लहर है, वहीं नालागढ़ में कबड्डी प्रेमियों ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। हिमाचल पुलिस में DSP अजय ठाकुर को यह सम्मान देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने और कबड्डी में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मिला है। अजय ठाकुर नालागढ़ उपमंडल के तहत दभोटा गांव के रहने वाले हैं। मंगलवार को पद्मश्री अजय ठाकुर का नालागढ़ आगमन पर भव्य स्वागत किया जाएगा। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए बद्दी से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। यदि आप गहनों के शौकीन हैं और खरीदारी की सोच रही हैं, तो अवश्य आएं भूषण ज्वेलर्स। सोलन के भूषण ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषण का बेजोड़ खजाना, वो भी बेहद किफायती दामों पर। भूषण ज्वेलर्स आभूषणों की दुनिया का वो नाम है जो कम ही समय में नामी आभूषण निर्माताओं में शुमार हो गया है। भूषण ज्वेलर्स सोलन कर MD विनय गुप्ता का कहना है कि शादी विवाह के आभूषणों की खरीद व किटी अकाउंट खोलने पर ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि त्योहार के सीजन में ग्राहकों को एक इयॉन 5 स्कूटी व ढेरों इनाम दिए गए। डायमंड की खरीद पर 40% की छूट दी जा रही है, तो देर किस बात की, अपनी सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए चले आए भूषण ज्वेलर्स सोलन।